हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी नाउ DSL। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अभी चल रहा है टेंस के सीरीज का समय और मैंने आपके साथ चार पार्ट डिस्कस कर लिया है। ये है आपका पांचवा पार्ट, जिसमें आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे आप सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य का टाइप वन। और जैसा कि आपको मालूम है, इंट्रोगेटिव टाइप वन में कैसे सेंटेंसेज होते हैं, इसको समझने के लिए आप जाके पार्ट टू जो बनाया गया है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको आई बटन पे दे दूंगा। अगर ना समझ पाए तो आप समझ लें कि वैसे वाक्य जिसके शुरू में क्या लगा हो, और आपको सेंटेंस देखने से ऐसा प्रतीत हो जैसा कि आपसे प्रश्न किया जा रहा है या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इसका बनाने का नियम। सबसे पहले आप जान लें कि बनाने का जो नियम हो रहा है वो दो चीज़ पे लागू होता है, ऐसा आप शुरू से देखते आ रहे हैं, एक्सिलरी वर्ब और वर्ब। यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब के रूप में डू डज का इस्तेमाल होगा, और वर्ब के रूप में वर्ब का पहला जो रूप होगा उसे हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको बताते चलो, जो डू और डज का इस्तेमाल होगा, कंसेप्ट वही होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा तब आप वहाँ पे डज का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा डू का इस्तेमाल करेंगे बाकी सबों के साथ। ठीक है, लेकिन वर्ब का जो पहला रूप है वो सबों के साथ लगेगा। यहाँ स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया गया है कि एक्सिलरी वर्ब सबसे पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना होगा, क्योंकि ये आप जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे ये इंट्रोगेटिव का टाइप वन होगा। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब के रूप में डू डज का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए और कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं किस प्रकार के सेंटेंस होंगे। जैसे आपका होगा, क्या राम आम खाता है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। सबसे पहले आपको देख लेने पड़ेंगे कि भाई ये देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस है या नहीं है, तो ता है से अंत हो रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इंट्रोगेटिव का टाइप वन है, इसकी जानकारी कैसे होगी हमें, तो वाक्य के शुरू में ये क्या लगा रहेगा तो इंट्रोगेटिव का टाइप वन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक और सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे होगा, क्या रमेश सड़क पर टहलता है। ठीक है, ये भी ता है ती है से अंत है। आपको मालूम है कि इंट्रोगेटिव टाइप वन का सेंटेंस जांचने के लिए शुरू में हमें क्या लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, चलते हैं आगे। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने दे रखा है कि सबसे पहले आप ऐसे सेंटेंसेस में जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप वन होगा, सबसे पहले एक्सिलरी वर्ब लिखिएगा जिसके रूप में डू या डज लिखिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिएगा, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे कई बार कंफ्यूज होंगे आपके किसके साथ, डू और डज, तो मैं आपको यहाँ पे एक स्लाइड दे रहा हूँ, इस स्लाइड में आप चेक कर लें। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ केवल आप डज लगाइएगा, बाकी सब अगर कोई भी करता रहे उसके साथ एक्सिलरी वर्ब के रूप में डू लगाइएगा। आइए यहाँ पे करते हैं और पता कर लेते हैं तुरंत। ठीक है, सबसे पहला होगा, क्या राम आम खाता है, इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, एक्सिलरी वर्ब, और एक्सिलरी वर्ब जो होगा डू होगा या डज ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट पर, तो सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, राम जो होगा वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा, तो भाई थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाइएगा आप, तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होगा आपको तो डज राम, फिर वर्ब, तो यहाँ पे खाना वर्ब होगा तो ईट, पहला रूप ही लिख के छोड़ देना है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा मैंगो, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क दीजिएगा। देखते हैं अगला, सबसे पहले यहाँ पे चेक करिएगा कि भाई यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब के रूप में डू लगेगा या डज, उसको चेक करने के लिए हमें सब्जेक्ट पे चलना होगा, तो सब्जेक्ट जो है वो हमारा आई है, और आई हमारा जो होगा वो होगा फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ भी हम डू लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर हो जाएगा आपका गो टू पटना। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, अगर आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अगला देखें। सबसे पहले आप एक्सिलरी वर्ब पे फोकस करें कि यहाँ पे डू लगेगा या डज, और उसे जानने के लिए आपको सब्जेक्ट चेक करना होगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे जो है वे लोग,
ये आपका कहाँ होगा? तो थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में होता है जिसके साथ आप डू लगाइएगा, तो डू दे टीच मतलब होता है पढ़ाना, यू डू दे टीच यू, क्या वे लोग तुम्हें पढ़ाते हैं। अगला होगा आपका हम लोग, तो इसके साथ भी डू लगाइएगा, डू वी टीच यू, डू वी टीच यू। अगला होगा राकेश और मदन, देखिए यहाँ पे दो नाम है, दो नाम हमेशा प्लूरल होंगे, तो इसके साथ भी आप लगाएंगे डू राकेश एंड मदन प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप सारे पीछे वाले जो पार्ट, चार पार्ट का जो वीडियो है वो सारा वीडियो देखें, मुझे उम्मीद है आप उन वीडियोस को देखने के बाद ये समझ पाएंगे। चलिए आगे आपके लिए कुछ होमवर्क दे देता हूँ जिसे आप कमेंट में हमें भेजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो आप काफ़ी बढ़िया से समझ में आया है तो आप इन सवालों के जवाब हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो पार्ट 6 में, जो कि होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।